मम्मी, मेरा पिगी बैंक काफी खनक रहा है, इसकी चाबी देना। बिल्लू, पिगी बैंक के पैसों से तुम क्या खरीदोगे? यह तो खुलने पर ही निर्णय किया जाएगा। जितने पैसे निकलेंगे वैसी चीज खरीदी जाएगी। आहा, काफी सिक्के निकल आए हैं। कुल 2 रुपए और 15 पैसे के सिक्के निकले। 2 रुपए मैंने ले लिए, 15 पैसे वापस डाल दिए। अब तो बता दो, 2 रुपए की रेतगाड़ी जो तुम जेब में डालकर ले जा रहे हो, उसका क्या लोगे? सॉफ्टी मम्मी। इस लड़की की जेब खनक रही है, काफी मैल हो गया। मैं झब्बू को फोन करता हूँ। हेलो झब्बू, काली बास्केट पहने एक लड़का तेरे घर के आगे से गुजरेगा, उसकी जेब में काफी माल है। झब्बू, फिक्र ना करो उस्ताद शेखू, यहाँ से गुजरते ही मैं उसके सिर पर भारी तरबूज दे मारूंगा। जब तक वह संभले उसकी जेब साफ कर दूंगा। वाह रघु, अभी एक छोकरा काली बास्केट पहने इधर से गुजरा था, उसकी जेब खनक रही थी, उसे लूटने का प्लान है। शेखू उस्ताद, उस लड़की की जेब में सिर्फ 2 रुपए की रेतगाड़ी खनक रही है। मैं अभी उसके घर की तरफ से आ रहा हूँ, उसकी माँ यही कह रही थी। क्या सिर्फ 2 रुपए की रेतगाड़ी? जब्बू को फोन करना चाहिए, वह 10 रुपए का तरबूज यूं ही बर्बाद न करे। हेलो जब्बू, हेलो, लगता है उसका फोन खराब हो गया। मुझे जाकर जब्बू को रोकना चाहिए कि वह तरबूज न मारे। उधर अपने घर के आगे से तरबूज मारने से उस नुक्कड़ पर छिपकर तरबूज मारना ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। यही वह लड़का है काली वास्कोट पहने, जिसका उस्ताद ने फोन पर जिक्र किया था। जेब भी खनक रही है, बस इस नुक्कड़ पर आते ही उस पर मैं यह तरबूज दे मारूंगा। शुक्र है मैं तेज भाग आया, अब तरबूज को बर्बाद होने से बचा लूंगा। अरे शेखू उस्ताद, तुम सब गुड़ गोबर कर दिया। हाँ? और एक सॉफ्टी दो, 2 रुपए वाली। बड़े दिनों से सॉफ्टी नहीं खाई, आज मुराद पूरी होने वाली है। आहा, सॉफ्टी देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये इधर ला यह सॉफ्टी, वरना हॉकी का एक पेनाल्टी स्ट्रोक रसीद करता हूँ। अगर सॉफ्टी मुझे न दी तो तुम्हें सीधा कवर ड्राइव मार दूंगा। दोस्तों, बड़ी विकट समस्या है। सॉफ्टी है एक और तलबगार दो। पहले आपस में तुम फैसला कर लो कि सॉफ्टी कौन खाएगा। मैं दर्जनों गोल दाग चुका हूँ, गनीमत इसी में है कि तू भी यहाँ से गोल हो जा। मैं 100 के सिर फोड़ कर भी नॉट आउट हूँ, इसलिए 9-2-11 हो जा। तेरी यह हिम्मत, तू। मैंने उसे सिल्ली मिडान पर फेंक दिया है, अब वह चू चपड़ नहीं करेगा। ला वह सॉफ्टी। सॉफ्टी तो मैंने खा ली। क्या, अब मैं सॉफ्टी खाए बिना नहीं रह सकता, चाहे खरीद कर ही क्यों ना खाना पड़े। एक सॉफ्टी देना मुझे। अभी लो नट्टो। अरे बिल्लू, मैंने तुझे सारी जगह ढूंढा और तू यहाँ खड़ा है। गप्तू, एक सॉफ्टी मैं खा चुका हूँ, एक और खाने की तमन्ना है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या पैसे जेब में है? नहीं तो फिर कैसे खाएगा, देखते जाओ। आखिर सॉफ्टी मैंने हासिल कर ही ली, अब मैं इसे मजे से खाऊंगा। हाँ नट्टू, मजे से खाओ जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी। जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी? मैं समझा नहीं। नट्टू, यह तुम्हारे लिए जहर है। जहर? पता है ना जहर क्या होता है? जिसे खाने से आदमी मर जाए। ठीक नट्टू, तुम मोटे हो। डॉक्टरों का कहना है कि मोटे आदमियों को घी या क्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। सॉफ्टी भी क्रीम से बनी है, इसे खाते ही तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया तो सब खत्म है। मैं यह जहर नहीं खा सकता बिल्लू, तुम ले लो, तुम तो मोटे नहीं हो। मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। गप्तू, अकल बड़ी या भैंस। बिल्लू, कल मास्टर जी ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब रिटायर हो रहे हैं और अब नए प्रिंसिपल साहब हमारे स्कूल में आएंगे। गप्तू, नए प्रिंसिपल साहब कब आएंगे? आज ही, मास्टर जी ने कहा था कि नए प्रिंसिपल साहब जबलपुर से आएंगे। जबलपुर की गाड़ी तो स्टेशन पर आ चुकी होगी। दोस्तों, यही मौका है नए प्रिंसिपल साहब पर इम्प्रेशन जमाने का, हमें उनके स्वागत के लिए स्टेशन जाना चाहिए।
हुरे, नए प्रिंसिपल साहब का स्वागत करने रेलवे स्टेशन चलो। चलो स्टेशन की तरफ। चलो, नए प्रिंसिपल साहब को पहचानेंगे कैसे, हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। स्टेशन रोड से आने वाले हर एक व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आप जबलपुर से आए हैं? यदि उत्तर हाँ हुआ तो फिर उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं? यदि उन्होंने फिर कहा हाँ, तो यकीनन वे हमारे प्रिंसिपल हैं। यह तरीका ठीक है, चलो। देखो, बैग पकड़े वह व्यक्ति स्टेशन की तरफ से आ रहा है, मुझे वह अपने नए प्रिंसिपल लगते हैं। क्या आप जबलपुर से आए हैं? ठीक। क्या आप हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं? हाँ। दोस्तों, यही है हमारे नए प्रिंसिपल साहब, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ, मिठाई लाओ। लीजिए सर, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, केक खाइए, गर्मा गर्म समोसे। सर, कोई और इच्छा हो तो बताइए, हम सिटी स्कूल के विद्यार्थियों से पूरा करेंगे। मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि मेरी गंजी चांद पर घने काले बाल हो, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? आओ, अपने प्यारे प्रिंसिपल साहब की इच्छा को पूरा करें, कहीं से बाल फोच कर लाए। इस आदमी के सर पर काफी घने बाल है, इसे पकड़ लो, मैं इसके बाल काटता हूँ। ओह, यह क्या है, काफी बाल इकट्ठे हो गए, चलो प्रिंसिपल साहब के सिर पर इन्हें लगा दे। सर, गोंद से आपके सिर पर हम अभी बाल लगा देते हैं। लीजिए सर, अब आपकी गंजी चांद नहीं दिखेगी। सर, अब आप फिल्म स्टार धर्मेंद्र लग रहे हैं। नहीं, राजेश खन्ना। नहीं, जितेंद्र। बच्चों, मेरे सिर पर बाल लगाकर सचमुच तुमने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। बोलो, अब मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? सर, इसी खुशी में आज स्कूल की छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, आज की छुट्टी, जाओ खेलो, मौज उड़ाओ। ओरे, आओ खेले। ये, अरे रुका, मैं कहता हूँ रुका। बिल्लू, यह वही आदमी है हमने जिसके बाल काटे थे। ओ हैं, प्रिंसिपल का ब्रीफ केस? हाँ, मैं तुम्हारा नया प्रिंसिपल हूँ और यह मेरा चपरासी है, मैं जिसे जबलपुर से साथ लाया हूँ स्कूल में सूचना देने के लिए, इसे मैंने आगे भेज दिया था। चलो, सब जाकर अपनी क्लास में बैठो। उस्ताद, आज बड़े गुस्से में नजर आ रहे, खैरियत तो है? ढक्कन, आज मैं रहूंगा यावा चूहा। कुछ दिन पहले बिल्लू की बिल्ली मेरी मुर्गी चट कर गई थी। बिल्लू ने वादा किया था कि वह मेरी मुर्गी के दाम चुका देगा, मगर आज तक उसने दाम नहीं दिए। उस्ताद, अगर वह दाम न दे तो उसके हाथ में जो चीज वही छीन लो। आज कुछ ऐसा ही सोचा है। गोबर गणेश, बिल्लू को कहीं देखा है? हाँ, वह इधर ही आ रहा है, उसके साथ एक जानवर भी है। जानवर? यही कोई गाय भैंस या बकरी? उस्ताद, मुर्गी के बदले में तुम्हें इनमें से एक मिल जाएगी, कसरत करना व मुफ्त में जानवर का दूध पीना। सचमुच ढक्कन, यह सौदा तो बड़े फायदे का रहेगा। उस्ताद, वारा चूहा, तूने मेरी मुर्गी के दाम नहीं चुकाए, तेरे हाथ में जो कुछ भी है मैं उसे छीन लूंगा। अरे बाप रे, कुत्ता भागो। उस्ताद, यह तो लेने के देने पड़ गए, पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। नीचे मत उतरना, नहीं तो यह हमारा मांस खाट खाएगा। शुक्र है भेड़िये जैसा कुत्ता गया और जान बची, वरना मुर्गी तो गई सो गई, आज हम भी इस दुनिया से कूच कर चुके होते। इतनी बुरी मात खाने के बाद अब इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। अरे बजरंगी पहलवान, तुम यह क्या करता? पाशा, मैंने बहुत बड़ी मात खाई है, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। अरे हार जीत तो पहलवान का जिंदगी का एक पहलू है। तुर्की में हमने कई पहलवानों से मात खाया और कईयों को धूल चटाया, लेकिन पाशा, मैंने किसी पहलवान से नहीं, 9 साल के एक छोकरे से मात खाई है, वह मेरी मुर्गी के पैसे मार गया। 9 साल का छोकरे से मात? तब तो बजरंगी यह सचमुच चूल्हे पर पानी में डूब मरने की बात ही हुई। पर इससे पहले हम उस छोकरे को सबक सिखाना मांगता है, तुम आओ हमारे साथ। पाशा, वो रहा वह छोकरा बिल्लू, लेकिन जरा संभल कर उसको हाथ लगाना, वह एटम बम है।
अगर वो एटम बम है तो हम हाइड्रोजन बम है। तुम अभी देखना हम कैसे उस छोकरे को ना को चने चबवाता है। इधर लाओ यह बूट, जब तक तुम बजरंगी के मुर्गी के पैसे नहीं भरता यह बूट हमारे पास रहेगा, समझे? इन बूटों के कारण कहीं तुम मुसीबत में न पड़ जाओ, लाओ इन्हें वापस दे दो पहलवान। एक फुट का छोकरा हमको धमकी देता है, हमारा नाम पाशा है, तुर्की का सबसे ताकतवर पहलवान। अभी सबक सिखाता है तुम्हें, वो गया तुम्हारा बूट। जल्दी से मुर्गी के पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारे बूट की तरह तुम्हें भी नदी में फेंक दूंगा। मेरा बूट तो मेरे पैर में है, यह देखो। तो जो बूट मैंने अभी नदी में फेंका वे किसके थे? थानेदार साहब के बेटे के, मैं उन्हें पॉलिश करवाने जा रहा था। पापा मेरा जूते उस आदमी ने नदी में फेंक दिए। अम्बखट, दूसरे की चीज को पानी में फेंकते हो? यहाँ की हवा ने बड़ों बड़ों के दिमाग दुरुस्त कर दिए हैं। तुम भी यहाँ की कुछ हवा खाओ। थानेदार साहब, ये रहा बूट का मुआवजा, 50 रुपया, अब तो छोड़ दीजिए। बड़ी जल्दी होश ठिकाने आ गया। पाशा, घाटा तो और भी बढ़ गया। एक तो मुर्गी के पैसे वसूल नहीं हुए, 50 की चपत और लग गई। हम सब वसूल कर लेगा उस छोकरे से। पाशा, वो जा रहा है बिल्लू, उसके हाथ में कुछ है। चेक, बहुत 30 मरखा बनता है। चूहे, इधर लाओ यह चेक, अब हमको उल्लू बनाने का कोई चांस नहीं। हाहा, आखिर पैसे वसूल हो ही गए। कितने का चेक है? 200 रुपए का, और है भी बेरर चेक। छोकरा, पाशा का मिजाज जरा गरम जरूर है, पर वह है ईमानदार। 50 रुपए मुर्गी का, 50 रुपए बूट का, 100 काट कर बाकी का 100 रुपया नकद लौटा रहा है। ये लो। देखो मेरा चेक लौटा दो, वरना पछताना पड़ेगा। अब यह चेक बैंक से केस करा कर ही तुमसे बात करेंगे। ये लो चेक, और जल्दी से 200 रुपए निकालो। इस चेक को आग लगाकर सिगरेट सुलगाओ। बिल्लू के खाते में 1 पैसा भी नहीं है। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं उनकी कद्र जरा देर से हुई है। भारत के लोग हमारी कद्र तब जानेंगे जब हम इंग्लैंड से विश्व क्रिकेट कप जीतकर आएंगे। फिर आज जो लोग हमें मार कर भगा देते हैं वही गर्व से हमारा नाम लेंगे। गब्दू, अगर हम उस कार वाले बाबू से गेंद मांगने गए तो वह हमें रुई की तरह धुन देगा। बिल्लू, वह गेंद उसके पास रहने दो, मेरे पास यह दूसरी गेंद है। गब्दू, दूसरी गेंद भी अब नहीं मिलने वाली। बिल्लू, फिक्र क्यों करते हो, मेरे पास तीसरी गेंद है। बिल्लो, वे तीनों इधर आ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आते हैं। अरे बिल्लू, मैं तेरी ही तलाश में था। लड़ने के लिए? रिंटू भाई, अभी मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ, अच्छा फिर मिलेंगे। अरे झगड़ा कौन गधा करता है, मैं तो तुम्हें कॉफी पिलाने अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। बिल्लो, इसमें रिंटू की कोई चाल है? जिस कंजूस ने कभी किसी को मूंगफली का एक दाना नहीं खिलाया वह आज कॉफी कैसे पिलाएगा? अरे खाली कॉफी ही नहीं, साथ में मिठाई भी। अरे मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, ले तो नहीं रहा? मुझे तो यकीन नहीं आता, पर चलो देख लेते हैं। वाह, सचमुच लड्डू तो देसी घी के लगते हैं। मैं अगली कॉफी भी लाता हूँ, उसे पीते ही तबीयत खिल उठेगी। वाह रिंटू, तेरी कॉफी तो और भी लाजवाब है। दरअसल बिल्लू, तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने का यही मेरा पहला कदम है। मैं चाहता हूँ हम अपना बैर भूल जाए। आओ हम अपने कोट एक दूसरे से बदल ले, ये कोट हमारे पास एक दूसरे की निशानी में रहेंगे। बिल्लू, मैं ना कहता था रिंटू हमें उल्लू बनाना चाहता है? कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरा कोट ले सकती हो,
सच। लेकिन रिंटू मुझे तुम्हारा कोट का रंग पसंद नहीं है, क्या मैं अपने कोट के बदले वह टंगा हुआ कोट ले सकता हूँ? अरे यह तो मेरे पिताजी का फटा पुराना कोट है, इसे देखकर मेरी माँ बर्तन वाले से कोई चम्मच या कटोरी लेना चाहती है। लेकिन अगर तुम्हें यही पसंद है तो मैं उतार कर तुम्हें दे देता हूँ। रिंटू यह रहा मेरा कोट और यह रहा मेरी तरफ से। कहो रिंटू, तुम्हारे पिताजी का कोट पहनकर मैं कैसा लगता हूँ? एकदम चार्ली चैपलिन। टाटा। बिल्लो तुम मूर्ख बन गए, तुम्हें पता था कि तुम्हारे कोट की जेब में 500 रुपए थे, उन्हें हथियाने के लिए ही रिंटू ने यह षड्यंत्र रचा था। लेकिन वह रुपए कहीं गए नहीं, जब रिंटू कॉफी लेने गया था तो मैंने रुपए कोट से निकालकर पैंट की जेब में डाल दिए थे। उधर पिताजी, आज मैंने बिल को बेवकूफ बनाकर 500 रुपए हथिया लिए। कहाँ है वे रुपए? इस कोट की जेब में। अरे कहाँ गए वे? बेवकूफ, इस कोट के बदले में बिल्लू को तुमने कुछ दिया तो नहीं? सिर्फ यहाँ टंगा हुआ आपका फटा पुराना कोट। क्या? मेरा कोट? उसमें मेरे 1000 रुपए थे। गब्दू, इस पुराने कोट की जेब में से काफी रुपए निकले हैं। देखना चाहिए मेरा भविष्य कैसा है। राजज्योतिषी आप है? नहीं, कमरे में अंदर बैठे हैं, मैं उनका मुंशी हूँ। मैं राजज्योतिषी से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपना भविष्य पूछना है। राजज्योतिषी किसी से नहीं मिलते, मुझे अपना नाम बताओ और 5 रुपए फीस दो। तुम्हारे नाम से राजज्योतिषी तुम्हारा भविष्य लिखकर अंदर से भेज देंगे। ये लीजिए फीस। और नाम है बिल्लू। बिल्लू ठहरो, मैं तुम्हारा भविष्य अंदर से लिखवा कर लाता हूँ। मुंशी जी एक मिनट ठहरिए। यह लीजिए 10 रुपए, जल्दी से मेरा भविष्य राजज्योतिषी से लिखवा कर लाइए। नाम है धक्कू। मैंने पहले पैसे दिए हैं, इसलिए पहले मेरा भविष्य आना चाहिए। लेकिन मैंने 10 रुपए दिए हैं डबल फीस, इसलिए पहले मेरा भविष्य आना चाहिए। पैसों से भविष्य खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता है। लड़ते क्यों हो? मैं तुम दोनों का भविष्य राजज्योतिषी से लिखवा कर एक साथ ले आता हूँ। राजज्योतिषी जी, दो का भविष्य बताना है, एक का नाम है बिल्लू, दूसरे का धक्कू। दोनों का भविष्य लिख दिया है, यह लिफाफा धक्कू को देना और यह लिफाफा बिल्लू को। तुम दोनों के भविष्य इस लिफाफे में बंद है, पढ़ लो। वाह, लिखा है कि ग्रहों का योग अच्छा है, सारी मुसीबतें दूर रहेंगी, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। ओ, लिखा है ग्रह बुरे हैं, मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, होशियार रहना। अरे आज मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने हमेशा भलाई के काम किए हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों? भविष्य पल में कहा गया था कि आने वाली मुसीबत से मुझे होशियार रहना चाहिए, हो सकता है सड़क पर कोई ट्रक या बस मुझे कुचल दे, इसलिए क्यों ना आज का दिन पहाड़ पर बिताया जाए। यहाँ बस व ट्रक के आने का कोई डर नहीं, यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। इंजीनियर साहब, पहाड़ को उड़ाने के लिए बारूद की सुरंग के पलीते में मैंने आग लगा दी है। वेल डन। अरे बिल्लू जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। गब्दू ठहरो, आ रहा हूँ। ओ, इसी पहाड़ पर मैं बैठा था। गब्दू, अगर तू मुझे न बुलाता तो मैं अभी तक परलोक सिधार गया होता। बोलो मुझसे क्या काम है? मुझे एक गणित का सवाल नहीं आ रहा है, तुमको उसे हल करना है। बस इतना सा काम? पर अब पहाड़ पर बैठना भी सुरक्षित नहीं है, इससे अच्छा है तेरे घर पर चला जाए। गब्दू मुझे बड़ी प्यास लगी है। बिल्लू, हम डॉक्टर गटोच के क्लिनिक में जाकर पानी पी लेते हैं, लगता है डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखने गए हैं। हमें डॉक्टर साहब की क्या जरूरत, हमने दवाई थोड़ी लेनी है, फ्रिज में पानी की बोतल तो पड़ी ही होगी। आहा, ठंडा पानी। अरे तुम्हें क्लिनिक से बोतल उठाकर अपने आप नहीं पीना चाहिए, क्या तुमने देखा कि बोतल पर क्या लिखा है? बाप रे, अब मैं मर जाऊंगा, आखिर राजज्योतिषी का भविष्य सही ही निकला। अरे मेरे क्लिनिक में यह शोरगुल कैसा? डॉक्टर साहब, बिल्लू इस जहर की शीशी को पानी समझकर पी गया। घबराने की कोई बात नहीं, दरअसल कल ही मैंने इस शीशी में जहर निकालकर दूसरी शीशे में डाला था, पर इसका लेबल उतारना भूल गया था, इस शीशी में कोरा पानी ही था। अरे बिल्लू, तू अभी तक वन पीस घूम रहा है,
मैं समझ रहा था कि अभी तक तेरा हाथ पैर टूट चुका होगा। राजज्योतिषी की भविष्यवाणी अभी तक कभी गलत नहीं निकली। धक्कू, दो बार मरते मरते बचा हूँ। धक्कू ठहरो, एक गलती हो गई। मैंने तुम्हारा भविष्यपाल बिल्लू को दे दिया और बिल्लू का तुम्हें। सही भविष्य के अनुसार बिल्लू आज खुशहाल रहेगा, जबकि धक्कू तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। तुम पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। या कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। अब तो यकीन हो गया। अरे बजरंगी, यह क्या उठा लाया है? ढक्कन, यह गोरिल्ले की खाल है। बिल्लू हमें हमेशा छका जाता है, पर इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है कि उस चूहे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ढक्कन जरा इसे पहनना। वाह उस्ताद, तुम यह सचमुच नायाब चीज लाए। ढक्कन अब उस चूहे को ढूंढो, बड़ा मजेदार खेल जमेगा। वाह क्या सुहावना मौसम है, जरा क्रिकेट के मैदान की तरफ चलना चाहिए। देखे वहाँ क्या हो रहा है, गब्दू भी शायद वहीं मिल जाए। ओ गोरिल्ला, बापरी, चूहे की सारी चलाके हवा हो गई। ढक्कन जा जरा और दो चार को डरा के आ, तब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ। आज गोरिल्ले की कटघरे का दरवाजा खुल गया है, शुक्र है यह खतरनाक जानवर अंदर ही है। मैं अभी दरवाजा बंद करता हूँ। ओ बचाओ, पकड़ो, खतरनाक गोरिल्ला छूट गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन उसे मारना नहीं। बेफिक्र रहो, इस बंदूक की गोली जिसे लगती है वह मरता नहीं, सिर्फ कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है। जल्दी आओ। पर वह किस तरफ गया होगा? हम सब तरफ खोज करते हैं, गोरिल्ला तो दूर से ही दिख जाएगा। बजरंगी पहलवान ने बड़ा मजेदार खेल दे दिया। मैं जिधर जाता हूँ लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। बेहोश हो गया, जल्दी से इसे जाकर कटघरे में बंद कर दो। उफ, इस गोरिल्ले ने तो मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया था। कटघरे का ताला लगाना अब मत भूलना। उधर ढक्कन आ गया, बहुत भारी लगी होगी जब लोग तुझे असली गोरिल्ला समझकर भाग खड़े होते होंगे। हमारा ढक्कन, यह क्या मजाक हमारे साथ, हमने तुम्हें गोरिल्ला की खाल पहनाई, हमें ही डराने चला है। अरे बहुत हो लिया, तुम्हें पता है हमें ज्यादा बदतमीजी पसंद नहीं। आई चिड़ियाघर में ढक्कन को जब होश आया। अरे मैं कहां फंस गया, या तो चिड़ियाघर का पिंजरा मालूम होता है। तभी मिनिस्टर साहब चिड़ियाघर पर मुआयना करने के लिए आए। सर सारे जानवर तंदुरुस्त और खुशहाल है। मैं सिर्फ उस गोरिल्ला को देखने आया हूँ जो केनिया सरकार ने मुझे बोता और तोहफा दिया था। वह गोरिल्ला एकदम मजे में है, चलिए देखिए। मुझे निकालो, मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, बजरंगी उस्ताद ने मुझे यह खाल पहनाई थी। अफ्रीकन गोरिल्ला की जगह आदमी बंद कर रखा है, निकालो इसे और उस असल गोरिल्ला को 12 घंटे में लेकर आओ, नहीं तो नौकरी गई समझो। इस बार तो बच गए। 12 घंटे और गोरिल्ले की खोज, पता नहीं वह कहाँ होगा। लगता है नौकरी से छुट्टी होने में कसर नहीं है, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। बिल्लू के मित्र डॉक्टर टोपन। बिल्लो, लगता है तुम घबराए हुए हो। हाँ, मेरे पीछे एक गोरिल्ला लग गया है, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, गोरिल्ले जंगल में या चिड़ियाघर में होते हैं। लो पिपरमेंट की गोलियाँ खा लो, तबीयत संभल जाएगी। यह गोलियाँ तो स्वादिष्ट है डॉक्टर अंकल। उस शीशी में क्या है? नींद की गोलियाँ। जिन मरीजों को नींद नहीं आती उन्हें यह दी जाती है। तभी बिल्लू, गोरिल्ला, तू सच कह रहा था? अरे या तो मेरी अलमारी के शीशे तोड़ रहा है। डॉक्टर अंकल, वो गोरिल्ला भूखा है, इस प्याले में क्या है? शहद। शहद में नींद की सारी गोलियां मिला देता हूँ। सुना है गोरिल्ले को शहद बहुत पसंद आता है, वह नींद की गोलियां मिला शहद खा रहा है। वह सो गया। कौन कहता है कि मेरी दवाई असर नहीं करती? कहो वार्डन, इधर कैसे, कोई बीमारी है? डॉक्टर मजाक न करो, मेरी बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं है। पर मेरे पास है, वह देखो गोरिल्ला। अरे वार्डन, शहर और नींद की गोलियां जो तुम्हारे गोरिल्ले ने खाई है उसके पैसे तो देते जाओ, मेरे उधार खाते में लिख लो। वाह, ये रोलर स्केट तो बहुत तेज चलते हैं। बिल्लू जरा अंदर आओ, रोलर चलाना बड़ा दिलचस्प खेल लगता है, मुझे भी सिखा दो।
बजरंगी, रोलर चलाना कोई डंड पेलना नहीं है, यह काम तुम्हारे भूते का नहीं। क्यों नहीं, जब मैं अखाड़े के दंड और दाव पे सीख सकता हो तो ये रोलर चलाना क्यों नहीं सीख सकता? बुजुर्गों ने कहा है लगन होनी चाहिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं। यह लगन ही थी जिसकी बदौलत भार उठाने वाला मामूली शेरपा तेंसी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया और कोलंबस ने अथाह समुद्र पार करके अमेरिका खोजा। रोलर सीखना तो बहुत मामूली बात है। लो, तुम नहीं मानते तो यह रोलर बांध लो और चलाओ। हाँ ठीक, अब रोलर आगे चलाओ। वाह बिल्लू, यह तो सचमुच लाजवाब खेल है। बजरंगी जरा तेज चलाओ। जब आगे दीवार आई थी तो तुम्हें घूम जाना चाहिए था। रोलर इतना ज्यादा स्पीड में था कि इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं टकरा गया। दोबारा कोशिश करता हूँ, इस बार मैं ख्याल रखूंगा और दीवार सामने आने से पहले ही मुड़ जाऊंगा। बजरंगी उस्ताद ने एक ट्रम तारकोल मंगवाया था, इसे देखकर खुश हो जाएगा। इल्लू ले उठा ले अपने रोलर, चलता बन। अरे ढक्कन, ये बिल्लू और गब्दू कच्छा पहने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद, शहर में एक नया टैंक बनाया गया है, ये दोनों पहले व्यक्ति होंगे जो उसमें डुबकी मारेंगे। अरे मैं तो रुस्तम ए हिंद बजरंगी पहलवान हूँ, उस नए टैंक में सबसे पहले मुझे नहाकर उसका उद्घाटन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह मेरी बेइज्जती है। ढक्कन मैं कच्छा पहनकर अभी आया। हा? उस्ताद इतनी देर लगा दी, कहीं बिल्लू तुमसे पहले टैंक में डुबकी न मार दे। क्या करूँ, कमकत कच्छा नहीं मिल रहा। तुम्हारा कच्छा तो पहलवान ढोलू मांग कर ले गया था, उसे दंगल लड़ना था। अरे हाँ याद आया, ढोलू नेशनल स्टेडियम में कुश्ती लड़ने गया होगा। ढोलू मुझे अपना कच्छा चाहिए जल्दी। ए? बजरंगी तेरी अकल क्या घास चरने गई है, एकता नहीं हजारों लोगों के सामने कुश्ती जारी है। लेकिन ढोलू उधर मेरी इज्जत का सवाल है, मैं स्विमिंग पूल में सबसे पहले डुबकी लगानी है। ढोलू चित हो गया। वाह बजरंगी, मेरी इस हार का कारण तू है, तूने मेरा ध्यान बटा दिया और विरोधी पहलवान दांव मार गया। ले उठा अपना कच्छा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कच्छा तो मिल गया पर मेरा प्यारा दोस्त मुझसे छिन गया, ढोलू मेरी वजह से दंगल हार गया। बीत गया सो भूल जाओ और टैंक की तरफ भागो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी हार का मुंह देखना पड़े। शुक्र है अभी बिल्लू ने पानी में छलांग नहीं लगाई है। चलो हटो, रुस्तम ए हिंद पहलवान बजरंगी के सिवा इस नए टैंक में पहले डुबकी कौन लगा सकता है। जय बजरंगबली। बजरंगी इस नए टैंक में पानी भर जाने का इंतजार कर रहे थे। ओ बड़ी बुरी हुई, अपना अजीज दोस्त खो बेटा, सिर पर अखरोट भी पड़ गए। बिल्लू टैंक में पानी भर गया, गब्दू मारो डुबकी। वाह मजा आ गया। बजरंगी पहलवान मुझे तुमसे हमदर्दी है। हुई मेरा सिर पर बना करोड़ बड़ा दर्द कर रहा है। बिल्लू अगर तुमको मुझसे सच्ची हमदर्दी है तो कोई ऐसा इलाज बता जिससे मेरे सिर पर पड़ा करोड़ खत्म हो जाए। एक बार गिरने से मेरे सिर पर भी ऐसा अखरोट बन गया था, मेरी मम्मी ने गर्म चीज से उस पर सेक दिया था, उसे आराम आ गया था। तुम भी ऐसा ही करो बजरंगी। सच बिल्लू, मैं अभी जाकर गर्म चीज से सेक करता हूँ। ढक्कन वो जलती हुई लकड़ी मेरे सिर पर बने अखरोट पर रख दे, इसे सेक हो जाएगा। जलती हुई लकड़ी, मैं ऐसा नहीं कर सकता उस्ताद, तुम्हारी जान जल जाएगी। ढक्कन तू मेरा उस्ताद या मैं तेरा, जैसा कहता हूँ वैसा कर, जल्दी उठा जलती हुई लकड़ी। कमाल है, ऐसा इलाज तो आज तक सुनने में नहीं आया, लेकिन अगर उस्ताद कहता है तो ठीक ही होगा। मर गया, बचाओ। बजरंगी पहलवान हम एक जरूरी काम से आए हैं। चूहे क्या भी कुछ कसर रह गई है, देख तेरी वजह से मेरा क्या हाल हुआ है, भाग जा नहीं तो। ठीक है हम जाते हैं, शहर के कमिश्नर साहब आए थे, एक उद्घाटन करवाना था, मैंने तुम्हारा नाम प्रस्तावित किया था। उद्घाटन? बिल्लू ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, या मेरी हार्दिक इच्छा है कि जिंदगी में कम से कम एक उद्घाटन तो कर लूं। बजरंगी तो फिर आओ हमारे साथ, आइए बजरंगी पहलवान, अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन करिए। मेरी वर्षों की तमन्ना आखिर पूरी होने जा रही है। हैं? यह क्या, कॉरपोरेशन के इस कूड़ेदान का उद्घाटन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था और लोगों ने इसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया था।
आपने इसका उद्घाटन करके रुके हुए काम को सरंजाम दिया है।